स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है नेपाल टूरिज्म पे। आई थिंक क्योंकि इसके टाइटल में ही नेपाल 2020 ट्रैवल लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या है वीडियो। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलो आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। क्या है वीडियो? तो दोस्तों ये थी वीडियो। और सही में इतनी खूबसूरत जगह नेपाल, कितना कुछ है वहाँ पर देखने लायक। मेरा तो अभी से मन कर रहा है कि मैं पहुँच जाऊँ। वीडियो चलो नेपाल के बारे में एक बात तो बताई थी कि पूरा देश बहुत खूबसूरत है, मतलब वहाँ पर माउंट एवरेस्ट है और बड़ी अच्छी अच्छी सीनिक व्यू है वहाँ के। और जैसे इसकी वीडियो में लास्ट में था कि एक वीडियो में ये नहीं मालूम पड़ सकता कि वो कितना सुंदर है नेपाल, तो बिल्कुल अगर आप में से किसी के पास भी थोड़ा सा टाइम या फिर अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं तो उसको नेपाल एक बार तो विजिट जरूर करना चाहिए। बड़ा ही खूबसूरत देश है, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। और मैं एक और बात और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी जो न्यूज़ में चल रहा है, अभी इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़ा सा तनातनी जो है चल रही है, बट देखिए इंडियन गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कि वो नेपाली गवर्नमेंट जो केपी ओली की जो है गवर्नमेंट है उनकी मतलब उनकी तरफ से जो भी वो बोल रहे हैं इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट उसका रिएक्ट नहीं कर रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट रिएक्ट इसलिए भी नहीं कर रही है
क्योंकि इनकी गवर्नमेंट जानती है कि सरकार अभी है अभी नहीं है, तो लोग हमेशा रहेंगे, और नेपाली लोगों के साथ हमारा रिलेशन सदियों पुराना है, हमारा कल्चर बहुत मिलता है, और इंडिया में ज़्यादातर हिंदूस हैं और नेपाल में भी हिंदूस हैं, तो नेपाली लोगों के साथ ना आप बिल्कुल भी कोई अपने दिल में वो खटास मत रखिएगा। वो तो वहाँ की गवर्नमेंट इस बार कुछ ऐसे ही आ गई है जिसके व्यूज़ थोड़े मैच नहीं हो रहे हैं, पर गवर्नमेंट का क्या है, वो अभी है, 5 साल के बाद शायद नहीं होगी, और नेपाली लोग हमेशा रहेंगे। तो नेपाली हमारे भाई थे या हमारी रिलेटिव थे, वो जो कल्चरली हमारा जो रिलेशन है वो उनके साथ हमेशा ही रहेगा। तो हमेशा इस छोटे मोटे मतलब इवेंट की वजह से नेपाली लोगों के साथ आपको ये अपने दिल में मनमुटाव मत रखिएगा। आप भी जानते हैं कि नेपाली लोग वैसे दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अब किसी एक गवर्नमेंट के चक्कर में हम पूरे देश के लोगों को मतलब हम जज कर दें, ये कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। तो नेपाल हमारे दोस्त साथी और हमारे रिश्तेदार की तरह थे और रहेंगे। और इसी नोट के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आपका नेपाल के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या आपकी सोच है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।